वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और काफी टाइम से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है तो आई होप कि आप लोगों ने मुझे मिस किया और शायद लगता है तो फ्रेंड्स आज जो ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ वो भी मैं बहुत आजकल बहुत ज्यादा शेड्यूल जो है बिजी होता जा रहा है जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ और आज भी मैं मैं तो बहुत बिजी हूँ लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं ये वाला जर्नी आपके साथ शेयर करू तो फिलहाल मैं ज्यादा देर नहीं करती हूँ मुझे पैकिंग करनी है पैकिंग करने के बाद डिनर भी लेना है अभी तक डिनर भी नहीं कुछ किया है हमने तैयारी भी नहीं की है तो वो भी करना है और पैकिंग भी करनी है कम टाइम है काम ज्यादा है इसलिए ज्यादा बातें नहीं करूंगी और मैं अपने काम की तरफ लगती हूँ के बाद मुझे कुछ ज्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या लेकर जाऊं क्या नहीं क्योंकि मुंबई का टेम्परेचर मैंने गूगल पे सर्च किया था तो बहुत ज्यादा गर्म था और वहां वाला जो टेम्परेचर है ना मतलब दिल्ली जैसा गर्म नहीं होता वहां पर जो टेम्परेचर है वो ह्यूमिडिटी के साथ है गर्म तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत कुछ पहन पाऊंगी और क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है मेरे नहीं बर्दाश्त होता हैवी कुछ भी कपड़े या फिर हैवी एयरिंग ज्वेलरी कुछ भी नहीं मैं बर्दाश्त कर पाती हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के काफी सब चीजें सोचकर मैंने बहुत कम चीजें ली है और लिया है मैंने छोटे छोटे एयर लिए हैं ये लिए हैं एक गोल्डन शेड में एक सिल्वर शेड में है तो ज्यादातर मुझे यही चीज समझ आ रही है अभी फिलहाल क्योंकि हल्के में कुछ है ही नहीं अधिकतर जब भी लेने जाते हैं तो पार्टी वेयर ही लेती हूँ मैं बहुत हल्के में कुछ है ही नहीं समझ नहीं आ रहा क्या लू तो मैंने लिया है ये सिक्स पेयर ऑफ एयर और सबसे छोटे साइज के जो मैंने लिए हैं वो है कुछ इस तरह के है सिंदूर मैंने ये वाला लिया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो वाला सिंदूर अगर पसीने आते हैं तो वो बहुत ज्यादा बहेगा तो इसलिए मैंने ये वाला कैरी किया है लिक्विड वाला सिंदूर लास्ट टाइम जब मैं बाहर गई थी तो मैं सबसे पहले मेन सनस्क्रीन ही लेना भूल गई थी और सनस्क्रीन मस्ट है धूप बहुत है गर्मी बहुत है सनस्क्रीन तो लेना ही है मुझे सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर और डीओ ये तीन चीजें मस्त है का हो गया बच्चे को कहा हो गया कहा हुआ मैं बच्चे, बच्चे कहा हुआ तो काम इतना सारा है और उसके ही बीच में ये छोटे नवाब भी आ गए हैं इनको हमसे बातें करनी है बातें करने के चक्कर में इनको नींद तो आ नहीं रही है मेरा काम रुकवा दिया है सारा काम रुका हुआ है मेरी अगर अर्ली मॉर्निंग ट्रेन रहेगी तो मैं कैसे अभी प्ला, प्लानिंग करूँगी कुछ भी पैकिंग नहीं हुई है पहले इनको सुला लें उसके बाद पैकिंग करूँगी और देखती हूँ कि क्योंकि मेरा टाइम जो है वो कन्फर्म नहीं हुआ है तो पता नहीं अभी हमें कैसे जाना होगा और काम इतना सारा है इनको तो नींद नहीं आ रही ये सोएंगे उसके बाद ही काम होएगा तो फाइनली ये सो गए हैं अब मैं इनको जरा इनकी मम्मी के पास पहुंचा दूं उसके बाद मैं अपनी पैकिंग करूंगी आह <laughs> इनका सोना बहुत मतलब बिल्कुल नहीं एक पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ इनको सुलाना पड़ता है क्योंकि अगर ज़रा सी भी आवाज़ आई तो इनकी नींद इतनी जल्दी खुलती है ना वैसे नहीं उठेंगे लेकिन जब हमारे पास काम है तो इनको जगना है सोना है ही नहीं तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और अभी हम मेट्रो स्टेशन पर हैं और बाय मेट्रो अभी हम एयरपोर्ट तक जाएंगे ट्रेन की टिकट हमारी नहीं मिल पाई है क्योंकि लास्ट टाइम पर हम करवा दे और नहीं हो पाया तो इस वजह से हम बाय फ्लाइट जाएंगे मेरी फर्स्ट फ्लाइट है और मेरी मेट्रो भी आ गई है तो मैं मिलती आ गई तो हमारी जर्नी जो थी वो बिल्कुल भी प्लानिंग के साथ नहीं हो पाई जो हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था जो हमारी ट्रेन थी ट्रेन की टिकट्स कैंसिल हो गई थी कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई थी और हमें नेक्स्ट डे वहाँ पहुँचना ज़रूरी था मुंबई ऑफिशियल वर्क की वजह से तो हमें लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचा और बाय फ्लाइट ही हमें ट्रैवल करना था तो हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे पहुंच कर मैं फ़र्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस लूँगी और वही आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैंने भी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से अपनी फर्स्ट फ्लाइट जर्नी करूंगी तो यहाँ हम टर्मिनल टू पे पहुँच गए हैं और यहाँ मैं आकर थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट मतलब बाय फ्लाइट जाने का मौका मिला है तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से मैं करूँगी यहाँ पर मुझे एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी लगी ये इस तरीके से जैसे एक डक की जो वो चलती है ना क्यू में चलते हैं सारे उस तरीके से था इसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको भी शूट किया बहुत अच्छा अच्छा लगा एक क्यू में सब चल रहे हैं उसके बाद हमने अपना लगेज जो था वो सबमिट करवाया और लगेज के बाद हमें तीन चार घंटे एयरपोर्ट पर बिताने थे हम लोगों की फ्लाइट जो थी वो अर्ली मॉर्निंग थी और हम घर से ल, आ, मतलब एक दिन एक रात पहले ही निकल गए थे तो ये हमारे पास आ गए हैं दो टिकट्स फ्लाइट की फ़र्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो वो मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है वैसे तो लोगों के लिए आम बात है लेकिन मेरे लिए बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो मैंने किया वो था ये दो रुपये में खाना जी हाँ दो रुपये में मैंने ये खाना खाया है यहाँ एयरपोर्ट पे एक फैसिलिटी होती है लॉन्च की जहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं और अपना पसंदीदा खाना खा सकते हैं स्नैक्स ले सकते हैं और सारी फैसिलिटी होती है यहाँ पर बस क्रेडिट कार्ड होने चाहिए अगर क्रेडिट कार्ड पर आपका ऑफ़र है तो आप सिर्फ दो का एक पर्ची कटती है उससे आप आराम से इसमें जाकर एक रेस्टोरेंट के स्टाइल में ही ये बना हुआ होता है लॉन्च इसमें आप दो रुपये में खाना खा सकते हैं तो मैंने यही दो रुपये में खाना खाया मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी पर इसमें एक चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करके खा सकते हैं और एक टाइम पे एक क्रेडिट कार्ड पे एक ही या दो ही लोग खा सकते हैं और आराम से अपना रेस्ट भी कर सकते हैं बट मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिला इसके लिए मुझे अच्छा लगा तो इस तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में ये लॉज बना हुआ था और एक साइड पे ये जो है यहाँ पे सिटिंग एरिया है यहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में मतलब एक अच्छी सी जो वाइब्स होती है ना वो आ रही थी बहुत अच्छा फील हुआ मुझे यहाँ पर इसमें हमारे तीन चार घंटे निकल गए हमें पता ही नहीं चला बट हाँ क्या हुआ था एक टाइम पर क्योंकि फुली एयर कंडीशन था ये तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लगने लगी थी और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रात बढ़ रही थी तो नींद भी आने लगी थी क्योंकि हमारी फ्लाइट जो थी वो अर्ली मॉर्निंग फाइव ओ क्लॉक की थी तो इस वजह से थोड़ी नींद भी आने लगी थी और ये फुली एयर कंडीशन होने की वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि इतनी ठंड लगेगी मतलब आप समर में जा रहे हैं और आपको ब्लैंकेट की ज़रूरत है ऐसा लग रहा था मुझे और नींद धीरे धीरे नींद बढ़ती जा रही थी अभी भी हमारी फ्लाइट में एक डेढ़ घंटे का टाइम था तो हमें एक डेढ़ घंटा अभी और बिताना था यहाँ पर <laughs> तो फाइनली अब मैं थक गई हूँ वेट करते करते अब ऐसे लग रहा था बस फ्लाइट आए और हम बैठ के जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और कहीं ना कहीं लगता है जब इतनी देर आपको वेट करना पड़ जाए किसी चीज़ के लिए तो थकावट सी हो ही जाती है अब हमारा टाइम आ चुका है फ़्लाइट में जाने का तो अब मैं फ़्लाइट को एक्सपीरियंस करने वाली हूँ बहुत जल्द ये हमारा चेकिंग हो रही है इसके बाद यहाँ से हमें बस में बिठाया जाएगा बस से हमें अपनी फ्लाइट तक जहाँ भी हमें जो फ्लाइट हमने रिजर्व की है उस फ्लाइट के लिए हमें वहाँ तक पहुँचाया जाएगा यहाँ आने के बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ हुआ मतलब जैसा मैंने बस टर्मिनल देखा था बस टर्मिनल पे खूब सारी बसेस होती थे उस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे एरोप्लेन थे और मुझे बचपन से एरोप्लेन देखने का शौक बहुत ज़्यादा है अभी भी अगर ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी को जब वो निकलते हैं एरोप्लेन निकलते हैं हम लोग पहले ही छत पर खड़े हो जाते हैं खूब सारे एरोप्लेन देखने के लिए और यहाँ तो मेरे को सामने से दिख रहे थे एरोप्लेन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एक तो मौसम भी इतना अच्छा था ना टाइम जो अर्ली मॉर्निंग टाइम था तो उसको वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी बट यहाँ पर ना शोर बहुत ज़्यादा था मतलब एरोप्लेन्स के जो इंजन वगैरह का शोर होता है वो बहुत ज़्यादा था बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ज़्यादा शोर होने के बावजूद यहाँ पर एक अलग सी चीज़ दिख रही थी मुझे खुशी सी महसूस हो रही थी फाइनली हम फ्लाइट में बैठ गए हैं मुझे मिली है विंडो सीट और अब मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी फर्स्ट फ्लाइट को भाई सब कुछ नीचे बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा था सब कुछ और मतलब था तो वीडियो देखो बहुत बड़ा था लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती थी बहुत लंबा वीडियो हो जाता इसलिए मैंने बहुत कम चीज़ें शूट की है इस हाइट पे पहुँच सिर्फ बादलों के ऊपर और सिर्फ नीला नीला आसमान ही दिख रहा था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था आप पर जो उन्हें फ्लाइट में कुछ देर बैठने के बाद मैं जितनी देर शूट वगैरह करती रही तब तक ही जगी रही उसके बाद मुझे कब नींद लगी मुझे पता नहीं चला और जब हमारा नींद खुली हमारी तो डेस्टिनेशन के बहुत नज़दीक थे हम तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट और मुंबई में अब यहां से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है स्ट्रगल वाला क्योंकि यहां पर पहुंचने के बाद मुझे अच्छा खासा वेट करना पड़ा था मैं अर्ली मॉर्निंग सेवन ओ क्लॉक पहुँच चुकी थी यहाँ पर और सेवन ओ क्लॉक से लेकर मैं काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ सिर्फ एयरपोर्ट पर ही वेट करती रही क्योंकि हस्बैंड का ऑफिशियल ऑफिशियल वर्क था जिसकी वजह से उनको मुझे यहीं वेट करवाना पड़ा क्योंकि हमारी प्लानिंग नहीं थी इसलिए हमने होटल वगैरह भी कुछ भी बुक नहीं किया था तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं यहाँ वेट कर लेती हूँ आप अपना काम निपटा के फिर आ जाएंगे तो हम साथ में ही चलेंगे होटल में जहाँ भी हमने होटल बुक करना था वो तो यहाँ से मेरी मतलब नींद और ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ अब वेट जो करना था मुझे टाइम समझ लीजिए कट ही नहीं था बहुत थोड़ा सा टाइम ऐसा था जिसमें मैंने यहाँ आसपास देखती रही और जो भी था ऑब्जर्व करती रही मुझे अच्छा लग रहा था बट कुछ देर के बाद ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि अब नींद बहुत ज़्यादा आँखों में भरी हुई थी लास्ट नाइट से हम लोग जगे ही हुए थे तो आराम तो मिल ही नहीं पा रहा था अब यहाँ पर कितना लोगों को देखूंगी आते जाते लोगों को देख देख के भी मैं थक गई और बोर हो गई थी और लगेज भी मेरे पास ही था तो मैं कहीं इधर उधर जा भी नहीं सकती थी और अगर मैं एक बार एयरपोर्ट से बाहर एग्जिट कर लेती तो मैं वापस भी इसके अंदर नहीं आ सकती थी तो मुझे ये सेफ़ लग रहा था मैं यहीं वेट कर रही थी ये लिया था मैंने फिर भूख लगी तो डोसा लिया मैंने साढ़े तीन सौ रुपये का सच में गाइस साढ़े तीन सौ पूरे बर्बाद थे इतना गंदा डोसा बना के दिया इन लोगों ने तीन बज चुके थे भूख भी लग गई थी और नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी सुबह सात बजे से मैं वेट कर रही थी एयरपोर्ट पे और नींद इतनी तेज़ आ रही थी न कि मैं यहीं टेबल पर ही सो गई और मुझे पता नहीं चला एक डेढ़ घंटा कैसे बीत गया मेरा और मेरे को लगेज का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ा था लगेज भी था और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी कुछ भी नहीं पता समझ आ रहा था कि अब क्या करूं एग्जिट मैं कर नहीं सकती थी और अंदर इतनी ठंड लग रही थी और इतनी नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा तो कैसे भी करके मैंने ये टाइम बिताया और बज गए सुबह सात बजे से लेकर शाम के पाँच साढ़े पाँच बजे तक मैंने ये टाइम बिताया मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो रही थी और क्या हुआ कि चार्जर जो था वो मेरे हस्बैंड के ही बैग में रह गया तो मतलब मेरा फ़ोन की बैटरी भी अब मैं फ़ोन भी नहीं चला सकती थी फ़ोन की बैटरी ही नहीं थी तो मैं चलाती कैसे वो तो एक भला इंसान मुझे मिल गया वहाँ पर और उसने मेरे को अपना चार्जर दिखा दिया तो मेरे फ़ोन की थोड़ी सी बैटरी मैंने रिचार्ज कर ली और थोड़ा सा टाइम मैंने अपने फ़ोन में बिता लिया तो फाइनली मेरे हस्बैंड आ गए हैं और अब हम जाएंगे होटल और वहाँ रेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप पार्ट टू देखें वहाँ मैं आपके साथ मुंबई की सारी जर्नी शेयर करूँगी बने रहिए मेरे साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाय बाय